हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड विथ रैपिड मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज जेल प्रहरी के जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका एनालिसिस करवाऊँगा। आज मैं आपको 1 अक्टूबर 2018 का सुबह की शिफ्ट का एनालिसिस कराऊँगा, ठीक है। इसमें मैथ्स पार्ट रहेगा अपना, तो अपन पहले मैथ्स पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये कि जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये जनरल मैथमेटिक्स है ना, अलग टॉपिक आता है बिल्कुल। टॉपिक में अलग मैथ्स के एक तरफ क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलावट रहती हो रेलवे की तरह, है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक्स और वाई प्रतिलोम अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा, है ना। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब होता है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। या तो मैं यूं कहूं कि x समानुपाती y की पावर -1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे बोल सकते हैं। या मैं यूं कहूं x समानुपाती 1/y। तो समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो अपन क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, या समानुपाती k लिख दो, a लिख दो, y लिख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ा, k अपॉन y, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे अपन k इज इक्वल टू कहेंगे तो इसका इनटू हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स और y। तो अपन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू k वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स में 12 गेंदे हैं, कुल 8400 गेंदे हैं, सभी गेंदों को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए। भाई एक बॉक्स में 12 गेंद आ रही है, टोटल गेंदे कितनी है, 8400 हैं, तो क्या होगा भाई, कम आएगा, कम मान के लिए क्या करते हैं अपन, भाग दे देते हैं। तो 12 का भाग दे दिया मैंने, तो 12 × 70 = 84 कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। यानी एक बॉक्स में 12 गेंदे आ रही हैं, तो 84 गेंदे कितने बॉक्सों में आ गई, तो 12 का भाग दे दो कितना हो जाएगा, 7000 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, 5 की घात के रूप में 16625 को लिखना है। भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 के इसमें कितने फैक्टर हैं। हमें ये तो पता है कि इसमें 5 के ही फैक्टर हैं, ये तो पक्का है, क्योंकि 5 की घात के पूछ पाए। तो अपन क्या करते हैं, फिर 25 का भाग दे लो 5 का, क्यों दे लो, 25 की टेबल पढ़ लेते हो, 125 की पढ़ लो, चलो 25 की पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, तो 25 का। मैंने देखा 25 × 150, 6 × 62 हो गया, 25 × 50, 12 × 25 = 125। मैंने देखा ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 और 25, है ना, 25 और 25 के बाद एक बार और जाएगा ये एक, यानी 25 की घात कितना हो रहा है, 25 की घात 3 हो रहा है, मैं यूं कहूँ 5 की घात 2 की घात 3 हो रहा है, या यूं कहूँ कि 5 की घात 6 हो रहा है। या आप यहीं से समझ जाओगे 25 में कितने 5 हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो कितने हो गए, 5 की घात 6 हो गए। या मैं एक बार ही भाग दिया 625, हमें इसका तो अंदाजा रहता है कि 625 का है, 25 का स्क्वायर है, यानी 5 की घात 4 है, ये 5 की घात 4 है, 5 की घात 2 ये है, तो 5 की घात 2 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 की घात 6 हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले बॉड मास का जो नियम होता है BODMAS, इसको बोलते हैं B4 ब्रैकेट O4 ऑफ D4 डिवाइड M4 मल्टीप्लाई A4 एडिशन एंड S4 सब्ट्रैक्शन। B4 ब्रैकेट यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद O4 ऑफ को यानी काकी के को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करोगे आप, देखो बड़ा छोटा, छोटा वाला कोष्टक कौन सा है, ये वाला, पहले इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके लिखने का तरीका होता है कि आप पूरी संख्या कभी मत लिखो, जिसको सॉल्व करना है केवल उसके बारे में बात करो, बाकी के बारे में बात मत करो, तो बहुत बेटर रहता है। क्योंकि जब क्वेश्चन लंबे लंबे आते हैं तो अगर आप शुरू से एंड तक हर बार इस चीज़ को लिखोगे तो काफ़ी टफ हो जाती है वो चीज़ें, यानी समय अधिक आपका वेस्टेज जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं केवल इसको लिख लूँ, यहाँ से शुरुआत क्यों करूँ। तो मैंने इसको देखा 29 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22.6 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 29 में से 7 गया तो 22.6। अब देखा ये कोष्टक के बाहर आ जाएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 22 और 3 = 25, है ना, 22 × 3 = 25.6, यानी 26.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26.1। अब इसमें या मैं यूँ कहूँ कि सबको मैं जोड़ लूँ, देखो ये 4.5 है, ये क्या है, 4.5 है, ये 3.7 है, यहाँ पे 3.5 लिख दिया, सॉरी ये 3.7 है, ये 4.5 है, 4.5 है, यहाँ 3.5 है, ये तो कोष्टक का आ ही गया, ठीक है। अगर ये इतना है 3.5 को और मैं घटा दूँ इसमें से तो क्या होगा, -1 होगा।
अगर माइनस एक बचा है, माइनस एक को और हटा दूं तो यहाँ पे 4.1 कर दूं। अब मैं सबको जोड़ लूं, अब क्या बचेगा, ये तो खत्म हो गया, इससे 3.5 क्या हो गया, खत्म हो गया। 3.5 अगर खत्म हो गया ये वाला, तो क्या बचा अपना 22.6 और 4. देखो यहाँ पे एक गया, यानी 4.1 बचा ही है ना, 4.1 बचा, तो हमें इसको जोड़ना है केवल 22.6, 22 26.7, 26.7 और 3.7, 26 3 29 29 और 30.4 है ना, 30.4 और 2.5 ये है, तो क्या 2.5 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32.9। आप जोड़ कैसे रहे हो, कई तरीके से जोड़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, चाहे आप प्लस प्लस का जोड़ लो फिर इसको घटा लो है ना, या इसको यहीं पे पहले घटा लो फिर जोड़ लो, जैसे आप चाहो वैसे जोड़ सकते हो। ओनली केवल ये स्टेप है, इसको बाहर निकाला फिर केवल इसको माइनस करना है, बाकी सबको जोड़ना है ना, या सबको जोड़ लो उसके बाद माइनस कर दो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला देखेंगे, एक्सएस से बिंदु -5.5 की दूरी क्या है। देखो इस तरीके से एक अक्ष बनता है, इधर वाई एच होता है, इधर एक्स एच होता है, इधर भी एक्स होता है, इधर वाई होता है, इधर प्लस का मान होता है, इधर भी प्लस का मान होता है, इधर माइनस का मान होता है, इधर माइनस का मान होता है, ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3 -4। अब देखो हमने देखा कि x इज इक्वल टू -5 है, अगर इधर जाओगे आप x इज इक्वल टू -5 तो यहाँ होगा कहीं है ना, और फिर इधर y एच पे 5 है तो इधर भी प्लस के 5 है, तो यानी ऊपर जाएगा, प्लस 5 कहाँ है, ऊपर है। y का मान क्या है, देखो x इज इक्वल टू क्या है, -5 है, x इज इक्वल टू -5 है और y इज इक्वल टू प्लस के 5 है, तो y के लिए 5 ऊपर जाएगा, x के लिए इधर आएगा तो यहाँ पे 5 होगा, और y के लिए 5 इधर जाएगा तो यहाँ कहीं होगा पॉइंट, अगर मैं यहाँ से 5 4 3 2 1 अगर नाम दूँ तो यहाँ पे पॉइंट होगा कहीं ये वाला। अब उसने पूछा है कि x अक्ष से दूरी क्या है, आप बताओ x अक्ष से यानी इस पॉइंट से इस ये वाली दूरी, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये दूरी क्या है। आपको पता है कि y एच पे कितना गया है, इधर 5 गया है, तो दूरी कितना हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी है ना, दूरी कितनी होगी भाई, 5 ही होगी, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके अगर एक्स के नीचे तक की बात करेंगे तो दूरी तो 5 ही होगी ना, क्योंकि इधर 5 ही लंबाई तक गया है, तो अगर नीचे तक ये एक्स अक्ष है, ये एक्स की जो लाइन है वो एक्स अक्ष है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक आओगे तो कितना होगा, 5, यानी 5 आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ इसमें -5 नहीं होगा कहीं आपको, क्योंकि दूरी हमेशा डिस्टेंस हमेशा प्लस की रहती है, माइनस की नहीं होती। अपन ये नहीं कह सकते 5 माइनस के 5 किलोमीटर गया या माइनस के 5 किलोमीटर दूर है, ऐसे नहीं बोलते, डिस्टेंस हमेशा प्लस की होती है, तो इसलिए प्लस के 5 आंसर रहेगा है ना। हाँ इससे पहले वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें -6 आंसर आ रहा था, यानी -6 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि -6 अपन को लग रहा था कि -6 तो नहीं ऑप्शन है, लेकिन उसमें क्या होगा, +6 होगा, क्योंकि दूरी कभी माइनस नहीं होती है ना। इससे पहली वाली वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है ना। सभी वीडियो देखें जिससे कि आपकी समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी है ना। -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है भाई, -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, आप ये बताओ। 0 से अगर मैं ये लाइन खींच लूँ सीधा इस तरीके से, अगर ये 0 पॉइंट है, इधर क्या होगा 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 इस तरीके से होगा, तो 7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा भाई, 7 और 0 के बीच में बताए, बीच में कौन सा होगा। देखो माइनस की जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होगा, तो ये छोटा होगा, यानी जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, तो -1 हो जाएगा सबसे बड़ा पूर्णांक, क्योंकि ये -2 -3 -4 तो इससे छोटे होंगे, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो बीच की बात कर रहे हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा, -1 आंसर आपका सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर में आपके पास, आपको इंटीजर नंबर होते हैं -0 यानी प्लस माइनस दोनों हो जाते हैं, यानी माइनस के अनंत से लेके प्लस अनंत तक हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या होती है, बटे में नहीं होती, पॉइंटों में नहीं होती है ना। यूं कहूँ मैं कि ये लिखा हुआ है -8 -7 -6, यानी पूर्ण संख्या होगी, ना पॉइंटों में होगी ना बटे में होगी, तो वो पूर्णांक नंबर होता है, 0 उसमें शामिल होता है पूर्ण संख्याओं में है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2000 एवं 2001 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं होती हैं। आपको ये निकालना है कितनी गैर वर्ग संख्याएं होती हैं। आप ये बताओ, देखो इनके बीच आपको संख्या निकालने के लिए, संख्या निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसे निकालना पड़ेगा कि 2001 का स्क्वायर माइनस 2000 का स्क्वायर
ये निकाला अब, क्योंकि इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, फिर देखना है बीच में कितनी संख्या है। तो मैंने इसको लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और एक बार होती है ए माइनस बी, ये होता है ना। तो ए प्लस बी में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं ए प्लस बी में, यानी 2001 प्लस 2000, और दूसरा क्या होगा इनका माइनस होगा यानी एक होगा, यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4001। अब आप ध्यान दो, एक कम क्यों होगा, क्योंकि जो लास्ट की संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, जो 2001 का स्क्वायर हो रहा होगा उसमें वो भी संख्या जुड़ जाएगी, तो वो एक संख्या बढ़ जाएगी, तो एक संख्या अपन घटा देंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 4000 संख्याएं होंगी जो गैर वर्ग की होंगी। अपन को गैर वर्ग की यानी जिनका वर्गमूल नहीं होगा प्रॉपर, वो संख्या क्या निकालना है, तो वो कितनी हो जाएंगी, 4000 होंगी, क्योंकि एक संख्या जो 2001 का वर्ग है वो जुड़ जाएगी। जैसे कि छोटा सा उदाहरण से समझ लेते हैं इस बात को, मैं यूं कहूं कि 4 का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है, तो इसको ऐसे निकालूं तो 5 4 9 × 1 यानी 9 संख्याएं होंगी। अब आप रियल में देखो 25 माइनस 16 के बीच में, 16 से कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, यानी 9 25 यानी 16 के बीच कौन कौन सी होंगी, 17 18 19 20 21 22 23 और 24, कितना हो गया देखो, 3 3 6 और 2 8, 8 संख्या हुई। वैसे कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, लेकिन जो 25वीं संख्या है ना वो तो पूर्ण वर्ग है ना, तो इसको शामिल नहीं करेंगे, यानी एक संख्या कम हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये जो वर्ग वाली है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 2001 का जो वर्ग होगा, जैसे यहाँ बड़ी संख्या का यानी 5 का जो वर्ग हो रहा है वो हट जाएगी यहाँ पे, तो एक हट जाएगी, तो कितनी बचेंगी, 4000 संख्या बचेंगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, या तो 4000 पे या 4001 पे, इस पे कंफ्यूज होंगे तो क्या हो जाता है, लास्ट वाली संख्या हट जाती है। आप इसका उदाहरण ले सकते हो, चाहे किसी का भी 3 और 2 का उदाहरण ले लो भाई, 3 3 9 3 और 2 5 हो जाएंगी, है ना। इनका आप निकालोगे भाई, इसका 2 का 4 होगा और 3 का 9 होगा, तो आप देखोगे 4 से 5 5 बढ़ रहा है, लेकिन बीच में कौन सी है, 6 7 8 और 5, 5 6 7 8 यानी 4 ही है, वैसे 5 बढ़ रहा है, एक कम कर देते हैं, तो कौन सा भी उदाहरण ले लो, वही उदाहरण यहाँ लगेगा, वही उदाहरण यहाँ लगेगा, ठीक है। उसमें क्या है, एक जो 2001 का स्क्वायर होता है वो हट जाती है, तो कितनी बच जाएंगी, 4000 संख्याएं वो हो जाएंगी, है ना। गैर वर्ग की पूछी है, जिसका वर्ग नहीं बने वो संख्याएं पूछी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है, 12 गेंद वाले एक पैक का वजन कितना होगा। भाई एक का एक ग्राम, एक गेंद का वजन 160 है, उसने कहा 12 गेंद वाले पैकेट का, तो 12 के लिए क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा 12 × 16 यानी 160। आप टेबल पढ़ोगे तो 16 2 160 और 16 2 32, 160 और 32 192 यानी 1920 ग्राम। नहीं है, आप तो गुणा कर लोगे भाई, 0 ÷ 72 की, तो हासिल की 7 12 1 12 7 19 190। टेबल पढ़ना है, 16 का मैंने 10 बार पढ़ा, 160 16 2 32 32 और जोड़ दो 160 में, तो 192 जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर कैलकुलेशन किसी की कमजोर हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं कि कैलकुलेशन को सुपर फास्ट कैसे बनाना है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, है ना। फिर मैं वीडियो डाल दूंगा कैलकुलेशन पे, बहुत अच्छी अच्छी, जिससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बहुत कम पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसे क्वेश्चनों में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत चलाओगे, जैसे जैसे स्पीड अच्छी हो जाएगी वैसे वैसे आपके पेन चलाने की स्पीड भी हट जाएगी, क्योंकि आप उस चीज़ को जब आसानी से जवान से कर लोगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है, यदि एक नीली व्हेल का वजन 140,000 किलोग्राम है, तो व्हेल के समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को रखना जाए। भाई एक बाघ का वजन 280 है, व्हेल का वजन इतना है, तो समान वजन करने के लिए 280 यानी 280 में कितने बाघ रखेंगे, हमें नहीं पता कितने रखेंगे, कितने बराबर होना चाहिए 140,000 के, यही तो बात है। यानी 280 किलोग्राम का, मैं यूं कहूं कि 5-5 किलो के कितने बांट रखे जाएं कि वजन 100 किलो हो जाए, तो 5 × x = 100 ऐसे ही तो रखेंगे, तो दो क्या करना है अपन को, सीधा सीधा भाग देना है। अगर ये बात समझ में वैसे ही आ जाती है तो सीधा सीधा आप भाग दे लो, 0 से 0 14 से 14 1 14 14 2 28 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 यानी 500 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 500। यानी 280 का एक पैकेट है, इसको इतने, इसमें से इतना वजन है, उसको बराबर करने के लिए कितने पैकेट लेने पड़ेंगे, इंटू एक्स कर दो, बराबर तभी तो होगा, या मैं यूं कहूँ कि 280 का भाग दे दो संख्या निकल आएंगी, यानी 500 भाग आपको उसके बराबर पर रखने पड़ेंगे जब उसके बराबर वजन हो पाएगा, कितना 500 भाग आपको रखने पड़ेंगे, है ना। अगला देखें,
कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सही व्यंजक चुने। सही व्यंजक है यानी ये सेटिस्फाई कौन सा सही हो रहा है। देखो पहला वाला देखें, कोष्टक को सॉल्व करोगे, कोष्टक से हटेगा तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 और 5 31, 31 माइनस 8 क्या होगा, 31 माइनस 8 23 होगा, और 26 में से 13 जाएगा तो 13 होगा। भाई इधर का क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इधर वाला 26 5 31 माइनस 23, और इधर का हुआ 26 माइनस 13 यानी 13 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 23 आ रहा है। दूसरा देखा मैंने, माइनस के 124 माइनस के 134, आप बताओ माइनस के 134 माइनस के 124 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस का है, जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 158, इधर का 158 हो जाएगा, इधर पे माइनस के 90 है, तो कोई मिल नहीं खा रहा, बराबर नहीं है, खत्म नहीं हुआ। अब इधर देखा मैंने, इसको देखो माइनस के 36 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 36 और माइनस के 97 होगा। अब इधर देखा मैंने, माइनस के कॉमन है तो अंदर गुणा करूंगा, तो माइनस के 36 और माइनस के 97, यानी बात तो वही है, माइनस के 36 माइनस के 97, चाहे जोड़ लो चाहे मत जोड़ो, तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है आपको, है ना। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे लास्ट को चेक करोगे आप, माइनस के 89 माइनस के 25 हो रहा है ना, माइनस के 89 माइनस के 25 हो रहा है, इसको मैंने माइनस का अंदर गुणा करोगे आप, क्योंकि ये माइनस है, इसका अंदर गुणा करोगे कोष्टक में, तो माइनस माइनस प्लस के 25 हो जाएगा, प्लस के 89 हो जाएगा, तो ये बराबर तो हो रहा है, लेकिन इधर माइनस की संख्या है, इधर की प्लस की है, तो बराबर नहीं मानेंगे, क्योंकि इधर माइनस है यहाँ प्लस है, संख्या वैसे बराबर दिख रही है लेकिन चिन्ह तो विपरीत है, तो नहीं होगा। यहाँ पे तीसरे में चिन्ह भी एक समान है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान पर रेखिक समीकरण 3x माइनस 2y, देखो के किस मान पर 3x माइनस 2y बराबर 13 और kx माइनस 8y बराबर, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। मैंने कल बता रहा था, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो अद्वितीय हल होता है, और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं बिल्कुल टू कॉपी, तो उसको समपाती रेखाएं बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकता है इसको, इस भाषा को ऐसे बोल सकता है कि जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। आप ये रेखिक समीकरण इतने में जब रेखाएं कोई हल की जगह कह सकता है वो रेखाएं समांतर हैं, ऐसे भी बोल देते हैं एसएससी वगैरह में, है ना। तो हमने देखा कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन होती है आपको पता हुआ ए वन एक्स प्लस बी वन बाई बराबर सी वन प्लस और ए टू एक्स प्लस बी टू बाई बराबर सी टू। तो इसके लिए अपन कंडीशन होती है ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू, है ना। हमने देखा कि सी वन बटे सी टू तो बराबर नहीं है, लेकिन ए वन बटे ए टू भी बराबर करना है, तो मैंने कहा तीन अपॉन के, यहाँ से तीन आएगा, यहाँ से के आएगा बराबर, यहाँ से माइनस दो अपॉन माइनस के आठ, माइनस माइनस प्लस होगा या दो एक दो चौके आठ, तो के इजिकल टू क्या हो जाएगा, चार तिया बारह, कितना हो जाएगा, के इजिकल टू बारह, बारह आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है, हमें के का मान निकालेगा, ठीक है। और जब आप अद्वितीय हल की, अच्छा ये कोई हल नहीं है तब रेखाएं समांतर होंगी, यानी ये वाली रेखाएं बनेंगी, जब ए वन बटे ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बटे बी टू के, तो क्या होगा, रेखाएं अद्वितीय हल होंगी, रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी, और जब तीनों बराबर होगा ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, तो रेखाएं फिर एक ही बिंदु से गुजरेंगी, यानी रेखाएं संपाती होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी, दोनों रेखाएं एक ही दिखेंगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संपाती। तो इसलिए लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, 50 छात्रों की एक कक्षा में 36% छात्र लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। आप ये बताओ, देखो उसने कहा 50 छात्रों की एक कक्षा में 36% लड़के हैं, कितना 36% लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, या मैं यूं कहता हूं कि 50 का बॉयज क्या है, बॉयज यानी लड़के कितने, 50 का 36% तो 36/100 यानी 50 से इसको काट दूं 2 यानी 18, अगर 18 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स प्लस बॉयज बराबर कितना है 50 है, तो बॉयज का गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स प्लस 18 बराबर 50, है ना, तो गर्ल्स इजिकल टू हो जाएगा 32, है ना, यानी 32 क्या होंगी, लड़कियां हो जाएंगी। या मैं यूं कहूं कि भाई आप ये बताओ, अगर 36% लड़के हैं टोटल क्या होता है, 100% होता है, अगर 36% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितना परसेंट हो जाएंगी, 64% हो जाएंगी, हमें 50 का 64% निकालना, क्या है 50 का 64/100, ऐसे भी लिख सकती हो, तो 50 दूनी 2, 2 का भाग दे देगा तो 32 आ गया,
ठीक है, सीधा निकालना है भाई 50 का हमें नहीं पता कि 64% क्या होता है या 36% निकालोगे। मैंने कहा एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो 10% निकल आता है। जब मैंने एक अंक के बाद पॉइंट लगाया तो 50 का 10% 5 हो गया, 5 हो गया तो 30% क्या होगा, 5 × 30 यानी 30 हो जाएगा, है ना। 50 का 5% तो 30% क्या होगा, 5 × 15, ठीक है। अब हमें 6% और निकालना है, 1% 0.5 होगा, 5 × 3 और हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। यानी 18 अगर लड़के हैं तो बचा शेष क्या बचा, 32, 32 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, है ना, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इजकल टू माइनस 2 है तो 24 × 4p माइनस 16 × 4 प्लस, तो इसका अपन को क्या करना है, केवल मान निकालना है, यानी पी का मान रखना है। तो मैंने रख रहा हूँ 24 × 4 × देखो माइनस 2 है, ये कोष्टक में लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, माइनस माइनस के 16 × 4 प्लस 4 × 2 = 8, इसको गुणा करना पड़ेगा, है ना, ये 27 है, सॉरी ये 27 है पूरा लिखा हुआ है, तो 4 × 2 = 8, 8 × 27 करना पड़ेगा, है ना। 27 × 8 करोगे तो कैसे करोगे भाई, 4 × 2 = 8, या तो मैं ऐसे कर लूँ 27 × 2 = 54, 54 × 2 = 108, 108 × 2 = 216, यानी माइनस के 216 हो जाएगा। 27 × 2 = 54, 54 × 2 = 108, यानी 27 × 4 = 108, 108 × 2 = 216, माइनस के 216। अब देखो ये माइनस का है 12 आएगा, प्लस का हो जाएगा तो 16 × 64 प्लस के 64 प्लस 7, है ना, 64 और 7 = 71, तो माइनस के 216, माइनस के 216 माइनस के 71, आप 71 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 और 16 = 45, तो क्या हो जाएगा माइनस के 145 आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस के 200 ये प्लस का है, ये घटेगा, है ना, ये 71 कितना है, ये प्लस का है, यानी माइनस के 216 प्लस 71 है ये, है ना, माइनस नहीं है वो लिख दिया, है ना, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 145, है ना ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है इसमें, ये सिलेक्ट सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसमें समझ में नहीं आता, है ना, तो फिर मैं उसको कमेंट में भी आपको समझा सकता हूँ कि वो उस पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन इकाई के अंक 1 के साथ घन है, इकाई के अंक 1 के साथ घन है, आप ये बताओ, इकाई का अंक 1 हो उसका क्या घन हो सकता है, इकाई के अंक का 1 का 1 ही घन होगा, तो कौन सी संख्या हो सकती है 14 से 31, अगर ये इकाई के अंक के साथ घन है तो क्या हो सकता है, इकाई का अंक 1 ही होगा, उसी का घन 1 होता है, क्योंकि 1 का घन 3 बार करोगे तो क्या होगा 1 होगा, और कोई संख्या नहीं होती जिसमें, देखो 1 का करोगे तो 1 होगा, 2 का करेगा 2 × 2 = 4 × 8 आएगा, 3 के लिए 7 आएगा, 4 के लिए 4 × 16, 4 × 24 4 आएगा, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2 और 9 के लिए 9, है ना, तो क्या होता है 1 के लिए 1 आएगा, तो कौन सी संख्या हो जाएगी 1431, जिसके लिए इकाई का अंक क्या है 1 है, केवल यही चेक करना है, उसमें और कुछ नहीं करना है कि किसी का घन करना है या क्यों करना है या आपको इसका निकालना है या इसका नहीं निकालना, केवल इकाई के अंक के साथ घन है तो कौन सा होगा 1431 होगा, इसका क्या अगर घन करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना, 1431 का घन करने पर इकाई का अंक 1 ही आएगा, केवल इकाई के अंक की बात कर रहा है तो 1 का ही घन हो सकता है ना। अगला देखो, जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया, फिर उसने शेष केक का 1/2 अपने भाई को दिया, पूर्ण केक का कितना अंश उसके पास बच जाता है, तो आप देखो 5/9 खाया, टोटल मान क्या होता है, ये क्या है 9/9 है, यूं कहूँ मैं, अगर बटे आप शेष में अगर जान समझ रहे तो जैसे 5/9 है, अब शेष क्या बचेगा 4/9 बचा, अब इसका शेष केक का 1/2 खाया, यानी आधा इसका 1/2 करूँ तो क्या खाया इसने 1/2 करूँ, तो इसने देखो 5/9 चला गया, अब 1/2 हुआ तो कितना बचा 2/9, 2/9 चला गया इसका, कितना चला गया 2/9, जैसे कि 2/9 ये अपने भाई को दे दिया, अब बचा कितना 4/9 था, 2/9 बचा, ये 2/9 बचा, उसने कहा कितना अंश उसके पास शेष बचा, तो कितना बचा 2/9 उसके पास शेष बचा, 2/9 आंसर हो जाएगा, या मैं यूं कहूं कि पूरा मैं 9 मान लेता हूं, जैसे पूरा 9 था उसका 5/9 खाया, यानी 5 खा लिए, फिर शेष कितना बचा 4 बचा, शेष का आधा अपने भाई को दिया, अब 4 बचा, 4 का आधा कितना 2 भाई को दे दिया, तो शेष कितना बचा 2 शेष बचा, 2 शेष किस में से बचा 9 में से, तो भाग क्या हो जाएगा 2/9, कितना हो जाएगा 2/9 भाग, यानी टोटल अगर मैं 9 मान लूँ तो 5 किसको दे दिया खा लिया, अब शेष कितना बचा 4, 4 का आधा किसको भाई को दे दिया 2, तो शेष कितना बचा 2 बचा, 2 किस में से बचा 9 में से, तो भाग कितना हो जाएगा, भाग की बात करेंगे तो 2/9
नौ भाग हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो इसमें क्या करना है, गुणा करना है केवल। तो 1177 ऊपर लिखा है, ऊपर ऊपर की संख्या से पहले गुणा करोगे, है ना, उसके बाद माइनस प्लस करोगे। तो ऊपर संख्या से किया 1177 अपॉन 5 × 10 माइनस 721 अपॉन 5। एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, 77 माइनस 5 × 10 21 × 42। अब 77 में से 42 गया कितना हो जाएगा, हाँ 45, है ना, 45/10 कितना हो गया, 77 × 4 = 37, हाँ सॉरी 35 हो जाएगा, ये 45 नहीं होगा, मैं इसको लिख रहा हूँ कर दिया मैंने इसको ऐसे लिख रहा हूँ 35/10 हो जाएगा, है ना। तो इसको काट देंगे 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, क्या आंसर हो जाएगा, 7/2। तो 77 में से 82 जाने पर 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, यानी 35 आएगा, 35 क्या हो जाएगा, 7/2। आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 3.5 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार मेज को पॉलिश करने की लागत ज्ञात करें, यदि पॉलिशिंग की दर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। देखो तीन पॉइंट अर्धवृत्ताकार मेज है, कोई वृत्त की अर्धवृत्ताकार मेज है तो उसका चेक करना है अपन को। जैसे कोई मेज है इस तरीके से अर्धवृत्ताकार है तो इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्ताकार है तो आधा होगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब हमें क्या मान निकालना है, मान रखना है, तो 22/7 × आर का मान क्या होगा, 3.5 मीटर व्यास है। देखो ये क्या है, 2R का मान दिया है 3.5 मीटर, तो R बराबर क्या होगा, 3.5/2 यानी आधा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा, देखो 1/2 मैं लिख देता हूँ, इसका आधा कर रहा है तो 1/2 लिख दिया, इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 क्योंकि व्यास वाली है तो अपन को आधा मान रखना है। अब हमें काट लो पीट लो, पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, यानी 0 0 पॉइंट हट जाएगा, 5 × 7 = 5, 5 × 6 = 20, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 20, 4 × 4 हो जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 से ये 11 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, 1177/16, है ना, 1177/4 = 16। अब हमें ये क्या एरिया आ गया, अब ये एरिया में इसमें केक में कितना रुपये लग रहा है अपन को, 10 रुपये लग रहा है, कितना रुपये लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है, तो कितना लग रहा है, 10, ठीक है। या मैं 10 का गुणा कर दूं या 16 का भाग दे दूं इसमें फिर 10 का गुणा कर दूं, एक ही बात है, या मैं यहीं पे कर दूं। जैसे मैं इसको काटूं तो 5 का गुणा करना पड़ेगा आपको, तो मैं 16 का भाग देता हूं, 16 × 64, 10 का गुणा नहीं कर रहा मैं, 16 का भाग दे रहा हूं, 16 × 64 कितना बचा, 13, है ना। तो कितना हो जाएगा, 130, यानी इसको मैं 770 लिख दूं, इसको या पॉइंट लगाना पड़ेगा, 770 लिख दूँ इस तरीके से, एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, 770/16। अब देखो 16 × 64 कितना बचा, 13 130 हो जाएगा, तो 16 × 7 = 16 = 128, है ना। तो 130 था तो 2 बचेगा तो 20 बन जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 16 × 16 = 40, फिर 40 हो जाएगा, 16 × 2 = 32, है ना, फिर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 × 7 = 16 × 5 = 80, यानी 1.25, 48.125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48.125। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 130 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे आप थोड़ा सा दोगे 48 पॉइंट, जब 48 पर जाएगा तो 48 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो आप सीधा लगा दोगे, क्योंकि आप जिसमें भाग दोगे तो आपने देखा कि लगभग क्या आ रहा है, 48 पे आ रहा है, 48 आ रहा है, तो मैंने देखा कि 48 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो उसको लगा के आगे बढ़ जाओगे, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा, है ना, 3.5। अब इसको कैसे लिख रहे हो, ये अपने ऊपर है, कितना शॉर्ट लिख रहे हो, कितना कुछ लिख रहे हो ना, 3.5/2 ये लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आधा तो करना ही पड़ेगा उसको, है ना। केवल एरिया निकालना है और उसमें क्या करना है, 10 का गुणा करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ सिंप्लीफिकेशन है, देखो 60 है, 60 माइनस 4 का क्यू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस पहले अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे अंदर, तो इसको मैंने जोड़ा अंदर तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15 1, यानी 625 प्लस 8 × 6 = 48 हो जाएगा, गुणा कर सकते हैं। अगर 625 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पर इसको प्लस कर देता हूँ, ये प्लस है, 625 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 60 में से 4 गई तो यहाँ पर 4 हो जाएगी, माइनस 4 प्लस 25 प्लस 48, है ना। तो 48 में से 4 गया तो 44 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 69, है ना, या मैं यूं कहूँ 25 और 48 जोड़ दो
तिहत्तर, तिहत्तर में से चार गया तो क्या हो जाएगा, या मैं यूं कहूँ माइनस चार प्लस तिहत्तर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा उनहत्तर। कैसे भी जोड़ सकते हो आप, जितना आसान तरीका आपको लगे उस तरीके से आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। मैंने देखा माइनस चार है, अड़सठ अड़तालीस चवालीस हुआ, और पच्चीस ये चवालीस पच्चीस क्या हो जाएगा, उनहत्तर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे और तो ये बहुत टफ हो जाएगा, तो हम इसका कहीं ना कहीं रूप चेंज कर लेंगे। जैसे मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, इसमें ए बी एक बार जोड़ देता हूँ, एक बार इसमें से ए बी घटा देता हूँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ दिया, तो टू ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, यानी टू ए बी में से एक ए बी जाएगा तो ये ए बी बच जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें ए प्लस बी और ए बी निकालना है, यहाँ से मैं ए प्लस बी निकालूँ तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, रूट तीन प्लस वन, रूट तीन प्लस वन अपॉन रूट तीन माइनस वन प्लस रूट तीन माइनस वन अपॉन रूट तीन प्लस वन। मैंने इसका एलसीएम लिया, रूट तीन माइनस वन रूट तीन प्लस वन, रूट तीन से रूट तीन कट जाएगा, रूट तीन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट तीन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो जाएगा रूट तीन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप नीचे सॉल्व करोगे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस यानी रूट तीन का स्क्वायर तीन, एक का स्क्वायर एक, तीन माइनस एक यानी दो बचेगा, नीचे नीचे क्या बचेगा, दो बचेगा। और ऊपर देखोगे आप, ऊपर अगर खोलूँ मैं इसको स्टेप को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो प्लस है प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट तीन का स्क्वायर तीन प्लस एक प्लस टू ए बी, तो टू रूट तीन इंटू ए। अब आगे देखो ए स्क्वायर तीन प्लस एक का स्क्वायर एक माइनस टू रूट तीन, तो टू रूट तीन से टू रूट तीन कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट तीन का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, रूट तीन का स्क्वायर तीन माइनस एक, ऊपर क्या हो जाएगा तीन और एक चार, चार आठ, नीचे क्या हो जाएगा तीन माइनस एक यानी दो, तो दो चौके आठ, यानी क्या आंसर आ जाएगा चार आ जाएगा। इसका आंसर आया ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया, चार आ गया। जब ए बी की बात करूं मैं ए और बी के मान के, तो रूट तीन प्लस वन अपॉन रूट तीन माइनस वन इंटू में लिखोगे तो रूट तीन माइनस वन अपॉन रूट तीन प्लस वन, तो देखा रूट तीन माइनस वन से ये कट जाएगा, रूट तीन प्लस वन से ये कट जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, चार का स्क्वायर माइनस ए बी का मान एक है, तो सोलह माइनस एक यानी पंद्रह आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, पंद्रह आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना होगा, है ना। देखो हमने इसका रूप चेंज किया, ये रूप चेंज होगा, या मैं ए प्लस बी निकालना है। जब ए प्लस बी निकालने में आसानी क्या होती है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जब ए प्लस बी निकालना है, क्योंकि आप पहले से इन क्वेश्चनों को कर चुके होंगे तो आसानी से निकाल सकोगे। ए प्लस बी निकालना है, मैंने देखा ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे क्या हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर यानी रूट तीन का स्क्वायर तीन माइनस एक यानी दो, तो नीचे तो दो आ जाएगा, सीधा सीधा आप लिख दोगे। अब ऊपर की बात करेंगे तो रूट तीन का इससे गुणा होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी माइनस के टू ए बी प्लस के टू ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार बचेगा, तो ए स्क्वायर का मान तीन है, बी स्क्वायर का मान एक है, यानी तीन एक चार, चार इसका बचा, चार इसका बचा, यानी आठ, यानी ऊपर क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। फिर मुझे करना क्या है, यहाँ चार चौके सोलह माइनस एक, क्योंकि ए बी आप यहीं देखोगे ए बी करोगे तो इससे ये कट जाएगी, यानी एक है चार का स्क्वायर सोलह माइनस एक यानी पंद्रह आंसर हो जाएगा। ये पूरा लिखना नहीं पड़ता, ये पूरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले से कर चुके होते हैं, है ना। ये चीज़ें जब बेसिक आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कर चुके होते हैं, है ना। एलसीएम एचसीएम में उसमें दिया होगा, ये वर्गमूल वाले चैप्टर में सरलीकरण में उस वहाँ पे आप इसको डिटेल में आप पढ़ लोगे, है ना। तो जल्दी से स्टेप कैसे करना है वो चीज़ें आप क्लास में वहाँ पे भी समझ सकते हो। बाकी मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि कैसे करना है, और नहीं समझ में आता फिर भी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर कैसा लग रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मैं पूरा आपको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिटेल लेता हूँ तो फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में। हाँ, ये है फोर एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स वाई का एक पद है। देखो पद क्या होता है, फोर एक्स स्क्वायर एक पद है, माइनस तीन एक्स वाई
भी एक पद है, ये दोनों एक पद है, माइनस के 3xy और 4x2 ये पद है। नहीं देखा x कॉमा वाई पद है, नहीं है, 4 3 नहीं है, 3xy, हाँ 3xy नहीं है, माइनस के 3xy है और 4x2 प्लस का है, तो 4x2 आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 3xy पद नहीं है, माइनस के 3xy पूरा ही पद माना जाएगा, ठीक है। और पूरे समीकरण को बोलेंगे बहुपद, है ना, बहुपद यानी बहु माने ज़्यादा अधिक और पद माने यानी दो से अधिक पदों को बहुपद बोलते हैं, ठीक है, ये बहुपद हो जाता है दो से अधिक पदों के लिए। और एक पद क्या है, 4x2 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 3xy होता तो वो भी एक बहुपद होता, सॉरी एक पद होता है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में माइनस नहीं है, प्लस है इसलिए वो नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4x2 यानी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आज की आज वीडियो एंड हुई, इसमें मैथ्स पार्ट पूरा हुआ, और आपको कैसी लगी वीडियो ये आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और दोस्तों को शेयर करें कि इसमें चैनल पर सर एनालिसिस करा रहे हैं, जिससे कि मैं आगे भी आपका अगर प्यार मिलेगा मुझे, आप कमेंट करोगे, बहुत प्यार मिल रहा है हमें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आप अगर शेयर करते हो, आप हमें कमेंट में बताते हो कि हमें सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हमें भी उत्साहित होंगे, हम आपके लिए हर तरीके की वीडियो आपको अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे, किसी भी टॉपिक की हो, चाहे वो एडवांस मैथ की हो, या एल्गोरिथम की हो, या एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जो भी होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, या एलसीएम प्रोबेबिलिटी जो भी होगा, वो उस पर हम अवेलेबल करने की आपको बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और बहुत जल्द आपको वीडियो प्राप्त होंगी, है ना, ठीक है दोस्तों, टेक केयर, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, ठीक है, बाय, थैंक यू।